Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I'm going to deliver a lecture on the paper of secondary English, and this is the final paper of Government College of Commerce and Economics. और इसके सेकेंडरी के जो इंग्लिश का पेपर जो है वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ. इससे पहले भी काफ़ी सारे कॉलेजेस के पेपर मैंने सॉल्व करवा कर एक प्लेलिस्ट बनाई है, सेकेंड ईयर कोचिंग सेंटर एंड कॉलेजेस पेपर्स, उसके अंदर मैंने अपलोड कर दिया है. अब मैं इसकी जो है वो वीडियो बना रहा हूँ, अब इसको भी आप देख लें ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के लिए. सबसे पहले MCQs हमारे पास हैं. तो फर्स्ट MCQs है, हेवन डज नॉट ऑलवेज मेक द राइट मैन किंग, सेड बाय. ये डायलॉग किसका है? तो ये डायलॉग हमारे पास जो है वो कॉलोनियल फ्रिट्स का है. ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है. सेकंड है, से नॉट द सकल नॉट अवेल टीचेस अस द लेसन ऑफ ऑप्टिमिज्म. ये ऑप्टिमिज्म का, पॉजिटिव थिंकिंग का लेक्चर हमें देता है. थर्ड है, आई कंसिडर दैट प्लेन लिविंग इज गुड फॉर एवरीबडी फिजिकली एंड मेंटली, सेड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन. और ये जो उसने कहा था, जो चैप्टर है इसका द वर्ल्ड एज आई सी इट, इसमें इसने कहा था. फोर्थ है, द सिक्स आर द रफियंस इन द सर्विस ऑफ द ड्यूक ऑफ स्टेल्सो, जिसको हम लोग जो है वो ड्यूक माइकल भी कहते हैं. फिफ्थ, आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क हियर, आई मीन्स आई से मुराद यहाँ है विलियम वर्ड्सवर्थ. और ये जो पोम है द सॉलिटरी रीपर, उससे लिया गया एक MCQs, उसकी लाइन है ये. सिक्स है, लेडी बर्लेसडन वॉज सिस्टर इन लॉ ऑफ रडल्फ रोजेंडाइल. लेडी बर्लेसडन, जिनका जो है वो रियल नेम था रोज. सेवन्थ है, द प्रिजन ऑफ जेंडा वॉज रिटन इन दिस सेंचुरी. तो 19th century में लिखा गया, 19वीं सदी में. एट है, रसल आर्ग्यूज दैट कम्युनिज्म इज अ मोस्ट मॉडर्न एंड वायलेंट फॉर्म ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म. तो ये जो आपका चैप्टर है रिफ्लेक्शंस ऑन द रीवीकनिंग ईस्ट, उससे लिया गया ये. नाइन्थ है, एक्ट थ्री ऑफ द सिल्वर बॉक्स हाईलाइट्स द थीम सोशल जस्टिस, डी ऑप्शन. टेंथ है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अस टू अस फ्रॉम हेवन स्प्रिंग. दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोम लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन. और ये जो पोम आपको बताया जॉन किट्स ने लिखी है. 11th है, द पीरियड वेन द यूरोप वॉज सन्क इन बारबेरिज्म इज कॉल्ड. तो ये पीरियड हमारे पास कहलाता है द डार्क एजेस. तो ये भी MCQs जो लिया गया है वो रिफ्लेक्शन से लिया गया है. 12th है, रडल्फ एल्बर्ग्स केयर फ्री बिहेवियर लेड टू हिज डैश. तो रडल्फ एल्बर्ग का जो केयर फ्री बिहेवियर था वो उसको कहाँ ले गया? टू हिज एबडक्शन, उसकी अब्डक्शन की तरफ लेकर गया. 13th, टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड बास ऑफ ऑल वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई इज द विश ऑफ यूलिसिस. लाइंस फ्रॉम यूलिसिस से लिया गया. 14th, लियाकत अली खान स्ट्रेस्ड अपॉन द वेस्टर्न नेशंस टू शेयर दिस विद पाकिस्तान, टू शेयर देयर नॉलेज विद पाकिस्तान. 15th, पोप्स एन एसे ऑन मैन इज फिलोसफिकल एंड रिलीजियस बेसिस ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस बींग्स बेसिस फाउंडेशन. रिलीजियस थीसिस ऑन ह्यूमन बींग्स, बी ऑप्शन करेक्ट होगा. 16th है, द डेड बॉडी ऑफ हंस वॉज ब्रॉट बैक टू द कॉटेज बाय सम गोथर्ड्स. तो ये जो चैप्टर है आपका ऑस्कर वाइल्ड का, दैट इज डिवोटेड फ्रेंड. तो इससे MCQs लिया गया ये. नेक्स्ट है, 17th है, फ्रिट्स वॉन टर्लेनिम वॉज इन लव विथ काउंटेस हेल्गा. पूरा नाम था काउंटेस हेल्गा वॉन स्टॉफजेन. नेक्स्ट है, 18th है, व्हेन सैमसन वाज ब्रॉट टू एंटरटेन फिलिस्टीन्स ही वाज पेशेंट बट अनडाउंटेड. लाइंस फ्रॉम सैमसन अगेंस्ट से लिया गया. अनडाउंटेड मतलब होता है निडर या बेखौफ, अनअफ्रेड. 19th है, एनालॉजी इज अ पोम ऑफ मॉर्निंग. एक मॉर्निंग या फिर जो है वो सोग जिसमें मनाया जाता है, इस तरह की एक नज्म होती है. This is allergy. 20 है, in 20 minutes there three men will be here to kill you. The speaker is Madame de Maubain. Summer House Incident के अंदर ये dialogue था. Next section B है, question answer है. Subsection 4 में आते हैं जो अक्सर मैं solve करता हूँ. ये हमारे पास phrasal verb है. इनको
अपने जुमलों में इस्तेमाल करने, टेक इन पुट आउट लेट डाउन, ये सारे ठीक है। देखो पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, एक्सटिंग्विश, किसी भी चीज को बुझाना दैट इज पुट आउट। लेट डाउन, लेट डाउन का मतलब होता है रद्द करना किसी की ऑफर को। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी का रूप लेना, रूप धार लेना, किसी की शक्ल लेना। ब्रिंग अप का मतलब होता है परवरिश करना, परवरिश करना। रन आउट का मतलब होता है कमी हो जाना, किसी चीज की कमी हो जाना, रन आउट ऑफ। और टेक इन का होता है, तो टेक इन का मतलब होता है किसी को धोखा देना, धोखा देना ठीक है। इसको आपको अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। आई जस्ट टोल्ड यू द मीनिंग्स, नाउ यू कैन यूज देम इन योर सेंटेंसेस ठीक है। उसके बाद है यूज एनी ईच वर्ड ऑफ द थ्री पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। बेयर बेयर, इस बेयर का मतलब बी आर, बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। और बी आर ई आर वाला बेयर होता है जैसे बेयर फुटेड, मतलब उरिया। इस ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना किसी भी चीज को, और इस ब्रेक का मतलब होता है गाड़ी का ब्रेक होता है जो टायर को ब्रेक लगाया जाता है ठीक है। तो ये वो ब्रेक है, इसको हम उर्दू में क्या कह सकते हैं, बस ये अप्लाइड ब्रेक। इस तरह से हम इसमें कोई सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये ब्रेक वो है जो कार में ब्रेक होती है, इस तरह लिख देते हैं। एक्सेप्ट, ए से जब एक्सेप्ट होता है उसके मतलब होते हैं कबूल करना, और ई से एक्सेप्ट होता है तो उसके मतलब होते हैं सिवाय। एज मतलब होती है उम्र, और एच मतलब होती है किनारा। ब्राइडल, ए एल ब्राइडल आ जाए तो उसका मतलब होता है दुल्हन, रूसी, दुल्हन से बिलोंग करता हुआ। और डी एल ई ब्राइडल आ जाए तो वो घोड़े की तो लगाम होती है, उसको हम कहते हैं ठीक है। नेक्स्ट है कि मैच द कॉलम है, वर्ड मीनिंग को मैच करना है। ट्रॉटिंग, आउट डिस्टेंस, पहले आउट डिस्टेंस कह देते हैं। आउट डिस्टेंस सबकत ले जाना, लेफ्ट बिहाइंड किसी को पीछे छोड़ देना। सार्डोनिक, सार्डोनिक मतलब सैटायरिकल, तंज वाला। डिस्रप्शन, डिस्रप्शन मतलब डिस्टर्बिंग, परेशानियां। स्काउंड्रेल्स, स्काउंड्रेल मतलब होता है रोक्स, गुंडे। साउंडिंग फरोस का मतलब होता है नॉइजी वेव्स। देखो ट्रॉटिंग हो गया तो ये हमारा वॉक इन एट अ फास्ट पेस, तेजी से भागना। तो ये हमारा जो है वो कॉलम ए कॉलम बी से वर्ड मीनिंग हमने मैच कर लिए। इसके बाद ऐसे है, ऐसे करना है। देखो इन्फ्लेशन पे आया हुआ इंपॉर्टेंट है, पीएसएल मैचेस पे आया हुआ इंपॉर्टेंट है, चैट जीपीटी पे आया हुआ है, बट आई थिंक सो के ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। बाकी ये दोनों आप लास्ट में कर लें, इन्फ्लेशन और पीएसएल। नेक्स्ट ये हमारे पास, इसके बाद है नरेशन है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको कर लेते हैं। किधर पर कर लें, कोई जगह ढूंढता हूं, जैसे यहां पर कर लेता हूं। फर्स्ट है शी सेड व्हाट अ स्टॉर्मी एंड रेनी डे इट इज, तो शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। उसके बाद चूंकि एक्सक्लेमेटरी नरेशन है तो सेंटेंस आप देख सकते हैं, दिस इज एक्सक्लेमेटरी, तो व्हाट यहां से हट जाएगा, स्टॉर्मी एंड रेनी डे, ये पूरा ऑब्जेक्ट ही एंड में आ जाएगा। दैट इट टेंस चेंज कर देंगे, इट वॉज अ स्टॉर्मी एंड रेनी डे, फुल स्टॉप एंड में आ जाएगा। सेकंड है द फार्मर सेड देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन द कंट्री एंड वी कांट सो द क्रॉप ऑफ फीड दिस ईयर। तो द फार्मर सेड दैट देयर इज है तो देयर वॉज हो जाएगा, स्कार्सिटी मतलब किल्लत, स्कार्सिटी ऑफ वॉटर इन द कंट्री एंड वी है तो ये वी जो है वो दे बन जाएगा, कैन नॉट है ये हो जाएगा कुडंट, एंड तो कुड नॉट,
the crop of wheat. अब दिस ईयर है, एक्स्ट्रा वर्ड चेंज हो जाएगा दैट ईयर, ठीक है. थर्ड इसके बाद आते हैं, थर्ड है प्लीज अलाउ मी टू गो ऑन कॉलेज टूर, शी सेड टू द हर मदर. ये हो जाएगा शी रिक्वेस्टेड, इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि आप याद देख सकते हैं प्लीज अलाउ मी आ रहा है, तो ये हमारा हो गया इंपेरेटिव. तो शी रिक्वेस्टेड हर मदर टू, प्लीज जो है वो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, to allow her to go on college tour. Last and full stop. Question 4 है, Emma said to her friend, necessity is the mother of invention. तो ये हमारी universal truth है और assertive sentence है. तो Emma said to her friends, यहां पर शायद हज नहीं आना चाहिए था, चूंकि अहमद एक मेल है तो यहां पर हिज आना चाहिए था, मतलब साइड से बात, अहमद जो है वो लड़की का नहीं, लड़के का नाम होता है. तो हिज फ्रेंड्स दैट, उसके बाद चूंकि टेंस चेंज नहीं करेंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ में टेंस चेंज नहीं होता, तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसी तरह आ जाएगा. क्वेश्चन 5 है, द टीचर सेड व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तो ये हो जाएगा द टीचर सेड व्हाट, सॉरी क्वेश्चन है यहां पर ना, तो ये थोड़ा गलत हो गया. अब चूंकि ये इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क एंड में आ रहा है, सिंस इट इज इंटरोगेटिव, तो यहां पर द टीचर आस्क्ड व्हाट अच्छा व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, तो व्हाट प्राउड यू है, तो ये हिम हो जाएगा, व्हाट प्राउड हिम, हियर क्या बन जाएगा देयर, और लास्ट में फुल स्टॉप. ठीक है, नरेशन हो गया हमारा. उसके बाद ये हमारे पास पैसेज है, द फ्रीडम मींस फ्रीडम ओनली फ्रॉम फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आउटवर्न आइडिया. ओके, सो ये हमारा जो है वो पाकिस्तान एट द मॉडर्न वर्ल्ड से लिया गया पैसेज है, बलागत अली खान. तो गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, पैसेज का सुटेबल टाइटल इसमें देना है, बाकी भी क्वेश्चंस करने हैं. तो इसका टाइटल हमारे पास आ जाएगा, ये लिया गया है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. तो ये इसका बस पैसेज का टाइटल कुछ भी दे सकते हैं, जैसे रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, तो ये इस तरह से इसका पैसेज का टाइटल आ गया. उसके अलावा कुछ भी दे सकते हैं जो उसके टॉपिक के लिहाज से हो, ठीक है. तो बस ये चीजें हो गई, हमारा कंप्लीट हो गया पेपर ये. अगर आपको लेक्चर पसंद आया मेरा, तो मेरा चैनल जो आप देख रहे हैं सर नसीम जुल्फिकार, इसको ना सिर्फ खुद शेयर करें बल्कि अपने तमाम क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अगर आप मेरी फिजिकल क्लासेस चाहते हैं अटेंड करना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप कॉन्टेक्ट करके मेरी फिजिकल क्लासेस के बारे में डिटेल ले सकते हैं. या अगर कोई नोट्स वगैरह आपको व्हाट्सएप के थ्रू चाहिए PDF, तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको उसको सेंड कर दूंगा. मेरा ताल्लुक जो है वो कराची में दुबई इल्म कोचिंग सेंटर से है, जहाँ पर मैं 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस जो है वो दे रहा होता हूँ, साथ में ECAT, MDCAT, NT टेस्ट की क्लासेस भी जो है वो कंडक्ट कर रहा होता हूँ. तो अगर मेरी फिजिकल क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. कराची बेस्ड सेंटर है हमारा, और जिसके कैंपसेस कराची के अंदर औरंगी टाउन के अंदर मौजूद है, और इस तरह से नॉर्थ कराची में UP मोड़ पर मौजूद है, और इसके अलावा गुलशन इकबाल में जो है वो कैंपस मौजूद है. किसी भी कैंपस को ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे YouTube लेक्चर्स के थ्रू भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं. डिफरेंट बहुत सारे लेक्चर्स, 1000+ लेक्चर्स जो है वो मैंने पढ़ाए हुए हैं अपने YouTube चैनल पर,
आपके लिए, तो आप उसमें देखकर भी काफी सारी चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।